Good morning class, this is our new genetics class in which today we will study about our new topic that is consanguinity. इस पर भी आपके शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इस टॉपिक के ऊपर भी. consanguinity एकदम छोटा सा इजी सा टॉपिक है. consanguinity का मतलब क्या होता है? मैरिज इन ब्लड रिलेशन. consanguinity क्या है? मैरिज इन ब्लड रिलेशन. देखिए, consanguinity को अगर अपन डिफाइन करें तो यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड एज सेकंड कजन्स और क्लोजर. कि भाई दो इंडिविजुअल जो एक दूसरे के सेकंड कजन है, अगर उनके बीच में यूनियन होता है, सेकंड कजन है या थर्ड कजन है, फोर्थ कजन है, फिफ्थ कजन, फिफ्थ डिग्री तक रिलेटिव्स जो हैं या उससे भी कोई क्लोज़र होता है, तो उसके बीच में अगर उन दो इंडिविजुअल्स के बीच में अगर यूनियन हो रहा होता है तो हम उसको consanguinity कहते हैं. और 1 बिलियन करंट ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर कम्युनिटीज़ में रहने वाली वो consanguineous यूनियन को प्रेफर करती है. मतलब इस मैरिज के अंदर उनका बिलीव है, दे बिलीव इन दिस मैरिज. तो ये देखिए, ये बताया गया है कि सेकंड कज़न के बीच में अगर रिलेशन हो रहा है तो इस तरह की कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही होती है, और अगर डबल सेकंड कज़न्स है तो इस तरह की मैरिज का रिलेशन बताया गया है. मतलब वो आपके फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है रियल चाचा, रियल ताऊ, रियल भुआ, रियल मौसी, रियल मामा के बच्चों के साथ में अगर यूनियन हो रहा हो. सेकंड कज़न का मतलब है हमारे दादाजी के भाई के जो ऑफस्प्रिंग है, जो जनरेशन है, उनके बीच में अगर रिलेशन हो रहा है. थर्ड कज़न पर दादाजी के भाई या पर नाना जी के भाई के फैमिली के अंदर अगर रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, तो इस तरह से फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न, फोर्थ कज़न, ये रियल एकदम रियल ब्रदर सिस्टर के अंदर तो किसी भी जगह पर, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं देखा जा रहा होता है. तो कज़न्स के बीच में ऐसे अगर रिलेशन है तो दैट इज़ नोन एज consanguinity. 20-50% सभी यूनियंस जो है नॉर्थ अमेरिका में, मिडल वेस्ट एशिया में, साउथ इंडिया के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं इन कम्युनिटीज़ के, उनके अंदर consanguineous देखा जाता है. फर्स्ट कज़न यूनियन जो है लगभग 1/3 सभी मैरिजेस का पार्ट में, 1/3 पार्ट फर्स्ट कज़न यूनियन देखा जाता है. अब ये consanguineous यूनियन क्यों प्रेफर किया गया है? क्योंकि हमने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा इसका प्रेफरेंस पूरी दुनिया के अंदर है, तो क्यों, रीज़न क्या है? ताकि कल्चरल कंटिन्यूटी रहे. भाई हम दूसरे कल्चर में जाकर के मैरिज कर रहे हैं तो हम उन लोगों को जानते नहीं, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, तो कल्चरल कंटिन्यूटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी. फैमिली सॉलिडैरिटी, आप परिवारों को पहले से जानते हैं तो रहना आसान हो जाता है, एडजस्ट करना आसान हो जाता है, रिलेशन अच्छे बने रहते हैं, ये इनकी सोच रहती है. थर्ड, रिडक्शन ऑफ अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद हेल्थ एंड फाइनेंशियल इश्यूज. किसी भी तरह के हेल्थ के कोई इश्यूज नहीं होंगे, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज हमें नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उस फैमिली को ऑलरेडी पहले से जानते हैं. तो कोई अनसर्टिनिटी नहीं है कि क्या पता कैसे लोग होंगे, क्या पता उनकी हेल्थ कैसी रहती होगी, कल को कोई बीमारी हो हमें नहीं मालूम हो, कल को वो लोग गरीब हो हम नहीं जानते, हमसे चीज़ें छुपाई गई है, इस तरह की बातें दिमाग में रहती नहीं है अगर हम अपने नोन के अंदर ही मैरिज कर रहे होते हैं. तो ऐसी अनसर्टिनिटी के बहुत कम चांसेस होते हैं, इससे लोग जो है consanguinity को प्रेफर करते हैं. अब हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं, पेशेंट के अंदर हमारे देखने का कारण क्या है, कि कुछ एडवर्स आउटकम ऑफस्प्रिंग में आने के जो चांसेस रहते हैं consanguineous यूनियन की वजह से, इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट नंबर बट रादर एज एन एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन, कि भाई कुछ ऐसी बीमारियां हैं. कौन सी बीमारियां? जो मैंने आप लोगों को मेंडल लॉ के अंदर पढ़ाई थी, मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ी थी ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव. तो डोमिनेंट तो वो होता है जो हमें दिखाई देता है, और रेसेसिव जो है वो दिखाई नहीं देता पर वो कैरियर की फॉर्म में चल रहा होता है. तो ये कब दिखाई देता है? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा. और होमोजाइगस में कब आता है? जब consanguinity होती है तो ऐसे ट्रेट्स के होमोजाइगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जो बीमारियाँ छुपी हुई थी वो छुपी हुई रहेंगी अगर ये consanguineous नहीं होगा, पर अगर
अगर कॉन्सन्ग्विनियस होता है, क्योंकि एक फैमिली में सब में वो चल रहा होता है ना, वो जीन कैरी हो रहा होता है, तो जब इनका यूनियन हो रहा होता है सेकेंड डिग्री कज़न थर्ड डिग्री कज़न, तो फिर वो जीन्स के उस यूनियन में उस जीन्स के होमोजैगस होने के चांसेस, उस एल के होमोजैगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो दिखाई दे जाएगा और वो डिसऑर्डर जो है उस नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे जाएगा। मतलब वो एडवर्स आउटकम के चांसेस जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पर, कॉन्सन्ग्विनिटी के डिग्री के बेसिस पर और पॉपुलेशन रिस्क के बैकग्राउंड के बेसिस पर। आप देख सकते हो कि भाई फर्स्ट डिग्री कज़न है, सेकंड डिग्री कज़न है, थर्ड डिग्री कज़न है, तो जितने ज़्यादा क्लोज कज़न्स रहेंगे उतने ज़्यादा इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कोई नॉन जेनेटिक डायग्नोसिस नहीं हो रहा है किसी फैमिली के अंदर, तो फर्स्ट कज़न यूनियन जो है उसमें 1.7 से 2.8% एडिशनल रिस्क होता है अबाउ द जनरल पॉपुलेशन रिस्क ऑफ 2 to 3% टू हैव ऑफस्प्रिंग विद अ कंजेनाइटल एनोमैली के। कंजेनाइटल एनोमैली के होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट वगैरह बच्चे में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई एलील रिसेसिव फॉर्म में है। तो अब मोर क्लोजली रिलेटेड यूनियन में रिस्क जो है ज़्यादा होता है डिस्टेंटली रिलेटेड यूनियन के कंपैरिजन में। डिस्टेंटली में थोड़ा लोअर चांसेस होते हैं और ज़्यादा क्लोज के अगर रिलेशन है तो फर्स्ट डिग्री कज़न के साथ, सेकंड डिग्री के साथ ज़्यादा चांसेस है, जबकि सिक्स डिग्री सेवन डिग्री में वही चांसेस उसके कम हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाने के। अब फर्स्ट स्टेप और बेस्ट टूल इन कपल को काउंसलिंग करने का है कॉन्सन्ग्विनिटी को, जिसके अंदर हमें डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री पहले ले लेनी चाहिए, जैसे कि ऑफस्प्रिंग, आपके बच्चों के बारे में, आपके भाई बहनों के बारे में, पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, नीस, नेफ्यूज़ और बाकी जो फर्स्ट कजन्स हैं आपके पेशेंट के, आप उनके बारे में पता करिए, अप्रोप्रिएट उनकी डिग्री का पता करिए कि ये अगर रिलेटिव्स हैं तो कितनी डिग्री रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या रिलेटिव्स है। तो इस तरह से आपको फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, ग्रैंड पेरेंट्स की कोई एथनिसिटी है, सभी ग्रैंड पेरेंट्स की, चाहे नाना हो दादा हो, उन सब के बारे में पता करिए, उनमें कोई कंजेनाइटल एनोमैली थी क्या, या उस पर्सन में कोई कंजेनाइटल एनोमैली है क्या वो पता करिए, उनमें किसी तरह की कोई बौद्धिक क्षमता उनके डिस्टर्ब्ड हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, थोड़े स्लो लर्नर हो, डेवलपमेंट अगर उनका बचपन में डिले हुआ था क्या, कोई रिग्रेशन रह गया था क्या, यह पता करिए, उनमें कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर जैसे थैलीसीमिया वगैरह है क्या, कोई हियरिंग या विज़न इम्पेयरमेंट कभी रहा हो या भी हो इस समय हो तो ये भी पता करिए, भाई सुनाई ढंग से ना देता हो, दिखाई ढंग से ना देता हो, कोई कलर ब्लाइंडनेस हो, डिम लाइट के में कोई प्रॉब्लम आती हो, कुछ भी हो तो आप पता करिए, फेलियर ऑफ थ्राइव उनके अंदर रहता हो तो पता करिए, कई बच्चों के डेथ हुई हो, नियोनेटल इन्फेंट की डेथ हुई हो जो अनएक्सप्लेन, किसी कोई कारण हमें नहीं पता चल रहा फिर भी डेथ हो गई थी, तो ऐसा कभी हुआ है क्या फैमिली में, तो वो भी आप पता करिए, उनको कोई दौरे पड़ते हो, सीजर का कोई डिसऑर्डर हो या कोई सीवियर कंडीशन हो जो डायग्नोज नहीं हुई हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पूछिए, फैमिली हिस्ट्री लीजिए ताकि कॉन्सन्ग्विनिटी को की आप काउंसलिंग कर सकें। ये सबसे अच्छा पहला स्टेप है, बेस्ट टूल है पता करने का। दूसरा, अब आपको क्यों उनको जेनेटिक कंसल्टेशन रेफर करनी है या किन को करनी है, तो जिनके अंदर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री आ जाए कंजेनाइटल एनोमैली की या किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की या कोई सस्पेक्टेड जेनेटिक कंडीशन उनके अंदर है तो आप उनको बताइए, उनको एथनिसिटी ऑफर करिए स्क्रीनिंग के बेस पर। अगर दोनों मेंबर्स जो कपल्स हैं वो दोनों मेंबर्स अगर कैरियर हैं सेम कंडीशन के, या दोनों कैरियर्स कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है, कोई ब्लड का डिसऑर्डर उनको है तो भी पता करिए, या कोई भी किसी तरह की कंडीशन अगर वो कैरियर्स हैं तो आपको उनकी जो है वो जेनेटिक कंसल्टेशन के लिए उनको रेफर करना है। भाई कोई जन्मजात एनोमैली, कंजेनिटल एनोमैली हो, बौद्धिक क्षमता उनकी ठीक ना हो, कोई जेनेटिक कंडीशन आपको सस्पिशियस वो लग रहे हो कि भाई शायद होगा, तो उनको भी आपको सबको करना है, कंसल्टेशन के लिए भेजना है उनको। अब कॉन्सन्ग्विनिटी पल सुनिए, डिटेल पहले फैमिली हिस्ट्री लेनी है, फिर कोई भी फैमिलियल या एथनिसिटी स्पेसिफिक डिसऑर्डर उसका पता करिए, स्क्रीनिंग करिए उसके अकॉर्डिंग। अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो रिस्क पता करिए फर्स्ट कज़न यूनियन के, जिसके अंदर हो सकता है कि कोई चाइल्ड में कंजेनाइटल एनोमैली हो, 4 to 6% चांसेस हो, या रिस्क फॉर अ मोर क्लोजली रिलेटेड यूनियन इज़ हायर,
भाई वही ज़्यादा क्लोज रिलेटेड यूनियन है तो उसमें हायर रहता है, अगर डिस्टेंटली है तो उसमें लोअर रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर कंसल्ट जेनेटिक्स के लिए, अगर डाउट भी है तो आप उनको रेफ़र करिए। बस ये आपकी कॉन्सन्ग्विनिटी है, ये कॉन्सन्ग्विनिटी पल है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको पता करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपन जेनेटिक्स डिसऑर्डर के जो भी रिस्क है उसको अपन इस तरह से कम कर सकते हैं। तो बस इतना सा है ये टॉपिक अपना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, शॉर्ट नोट आएगा, इतना ही आप लिखिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।